सीधा रखना होता है, सीधा रखना होता है। फिर मेरे क्या आएगा तो मैं उठाऊंगी, सेम सेम आएगा तो उठाना पड़ेगा ना, सेम सेम आएगा तो यहाँ पे जितने होंगे जिस जैसे आप में से ना, जैसे ये मान लो सेम है, हाँ। जैसे आ गया तो यहाँ पे जितने भी है ना सारे आपके हो जाएंगे। अच्छा मेरे हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी सेम नहीं आ रहा, मेरी टर्न है ना, मैं करूँ? हाँ, आपकी टर्न। तो तूने तो उठा लिया, वो रख तेरे वाला, पहले तेरी टर्न है। ठीक है, फिर से मैं रखती हूँ, वो रखो। तूने एक जैसे रखे है इस साथ में, ऐसे नहीं होता है, चीटिंग की है तूने। जो आ रहा है वो ही रखना। नहीं आ रहा है, नहीं तेरे शक्ल देख कितना भोला बन रहा है, ऐसे ऐसे कर पहले। मैं उल्टा रख रहा हूँ ये, हाँ। तो दिख नहीं रहा कुछ। किसकी टर्न है? मेरी है। हाँ, मेरी ये मेरी है। ऐसे करना होता है पहले, तूने सब सेम सेम रख दिया है, ठीक है। मेरी टर्न है ना, ये अब तू रख। यार डुगू क्या करके लाया है तू ताश को, किसी की जीत हो ही नहीं रही है, कर। मेरी मर्जी से हमारे सारे कार्ड्स खत्म हो जाएंगे, पर कोई जीतेगा ही नहीं। आओ आप भी आओ, आपको भी खेलना है क्या? कोई जीतेगा तो कोई जीतेगा ही। ले मेरी टर्न है, मेरी टर्न है। ओह आपकी टर्न है। हाँ तेरे तो ये सारे चले गए, मेरे आएंगे। अब रख, चला डुकू। ओ तेरी सारे जीत गया क्यों? अरे तेरे जीत किसी की होएगी? अरे तो और खेल, तो भाग गए, इतनी मेरे पास बाकी है अभी। अच्छा खेलूंगा, रुक जा, इसको जोड़ ले। तो मुझे आ गया बस मासी पिछोरे अदिति। चलो चलो चलो, ऐसे ये मेरी हो गई। यस, दो तो मैंने जीत लिए, देख ले। यस मैं जीत गई। मेरे तेरे कैसे हो गए? मेरे पास तो ना इतने ही बच्चे हैं, अभी जो जीतेगा उसकी सारी हो जाएगी ये कार्ड्स। ले मेरी टर्न है ना, मैंने चला दिया, चला। हेलो गुड मॉर्निंग। सो सुबह डुगू के साथ मस्ती करने के बाद मैं यहाँ पर मैं नहाकर रेडी हो चुकी हूँ, गर्मियों के अकॉर्डिंग नॉर्मल साड़ी पहन के अच्छे से बाल बांध के रेडी हो चुकी हूँ। और इतने दिनों तक आपको शादी के व्लॉग्स ही देखने को मिले थे, उसके बाद में मैं ससुराल आ गई थी और यहाँ पर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। अभी आज मेरा मन किया कि आज आप लोगों के साथ में एक व्लॉग शेयर करते हैं और यहाँ पर व्लॉग बना लेते हैं ससुराल वाला भी, तो काफ़ी लोग बाद में पूछेंगे, इसलिए मैंने ये व्लॉग बना लिया है। और इसके बाद में मैं परी के साथ खेलने लग गई थी, क्योंकि परी काफ़ी ज़्यादा रोती है, इसको गोदी में लेके घूमना पड़ता था। यहाँ पर मैं परी के साथ खेल रही थी और ये चुपचाप मेरे साथ बैठी थी। और आज आपको पूरा ये ससुराल वाला व्लॉग ही देखने को मिलेगा, तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। परी क्या कर रही है तू? मम्मा के साथ सिलाई कर रही है क्या? टेलर साहब, ये हमारे छोटे टेलर। और ये मेरे लिए ड्रेस बन रही है यहाँ पे, जब पूरी रेडी हो जाएगी तब प्रॉपर वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। फिर दोपहर में मैं खाना बनाने लग गई थी, परी थोड़ी देर के लिए सो गई थी और दीदी मेरे लिए ड्रेस स्टिच कर रही थी, इसलिए मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। और हमारे ना घर में नानी जी आए हुए थे, मतलब मेरी नानी सासू जी, तो उनके साथ भी मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया था। उन्हें पता नहीं था कि मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ, यूट्यूब के लिए व्लॉग बनाती हूँ, तो उन्हें मैंने आज बताया था। और उनके मतलब वो खाना खा रहे थे, मैंने उनका थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। मम्मी ने भी उनको बताया था कि ऐसे ऐसे करती है, तो उन्होंने कहा सही में मैं यूट्यूब पर आऊँगी ऐसे वैसे करके, उन्होंने मुझसे बात की थी। वो आपको क्लिप आगे देखने को मिलेगी, वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट थे और एकदम अच्छे से बात करते थे, तो मैंने भी उनके साथ में थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया था। हाले वाले शिकाल जार फोन में देखा संतोष इनके दिया हुआ दिखा दे, परसों दिखा दे, ठीक है ना? हाँ संतोष दिखा दे, रवि ना दिखा दे। हाँ के मारो वीडियो बनाया बस। हाँ
हां ठाओ ने मैं वीडियो बनाऊ ते देखियो कोनी कने आप खड़े देखिया ये कौन ने मत कटा देखे कोई नहीं क्यों जना दिखावा ने तो हां आप खड़े देखिया और ये तंग कहीं लगे फिर शाम के टाइम में नानी जी चले गए थे अपने घर। फिर मैं फिर से परी और डूगे साथ में खेलने लग गई थी। डूगे से साइकिलिंग कर रहा था और मैं परी के साथ में खेल रही थी, क्योंकि परी काफ़ी ज़्यादा रोती थी इसलिए इसको गोदी में लेके ऐसे करके खिलाना पड़ता था। तो मैं और परी और डूगू तीनों साथ में ऐसे मस्ती करते थे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था हम तीनों को। ऐसे परी खुश भी रहती थी और रोती भी नहीं थी। और फिर शाम को ना मैं अपना काम करने लग गई थी, परी फिर से सो गई थी इसलिए, और दीदी अपना काम कर रही थी और मैं ना अपना बैग पैक करने लग गई थी क्योंकि मुझे कल जाना था बेंगलोर, इसलिए मैं फटाफट से अपना सारा सामान पैक कर रही थी। और मैं मम्मी के घर से ना 4-5 डेज़ पहले आ गई थी, पर मैं आज आपके साथ में ये ससुराल वाला व्लॉग शेयर कर रही हूँ मैंने, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया था, बस ये एक ही व्लॉग शूट किया था ससुराल वाला, सो वो आप लोगों के साथ में आज शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं अपना पूरा सामान अच्छे से पैक कर रही थी। कुछ कुछ था जो मुझे सुबह ही बैग में डालना था, कुछ सामान तो वो मैं छोड़ रही थी, बाकी का जो मुझे डालना था वो मैं अपने बैग में पैक कर रही थी अच्छे से। फिर शाम को हम लोगों ने खाना खाया और जल्दी सो गए थे क्योंकि मुझे उठना था सुबह जल्दी, और वो भी इतना जल्दी कि 3 बजे उठना था, इसलिए फटाफट से खाना खाया और हम लोग सो गए थे। और ये वाली क्लिप मैं सुबह शूट कर रही हूँ बैग वाली, तो सुबह मैंने थोड़ा सा शूट किया था। फिर मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी थी और फिर मम्मी आ गए थे मुझे इसे तिलक निकालने के लिए। और अब बाहर आप अंधेरा देख सकते हैं कितना अंधेरा है, ये सुबह के 3:30 बजे की क्लिप शूट की हुई है मेरी। और फिर मैं और जीजू निकल गए थे बस स्टैंड के लिए। इतना जल्दी हमें घर से इसलिए निकलना पड़ता है क्योंकि हमारे गांव से जयपुर 5 घंटे लगते हैं जाने में, इसलिए जल्दी निकलना पड़ता है। मतलब जितनी टाइम की हमारी फ़्लाइट होती है ना, उससे 3 आवर्स पहले हमें जयपुर पहुंचना होता है, इसलिए हम लोग जल्दी निकल जाते हैं ताकि टाइम पर हम जयपुर पहुँच जाए और हमारी फ़्लाइट मिस ना हो, इसलिए हम घर से निकल गए थे। अब अंधेरा देख सकते हैं कोई है ही नहीं बस स्टैंड पर, सिर्फ हम थोड़े ही लोग थे। और फिर 10 बजे हम जयपुर पहुंच गए थे। फिर जयपुर पहुंचने के बाद में हमने सबसे पहले नाश्ता किया क्योंकि हम दोनों काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, सुबह 3 बजे के उठे हुए थे हम दोनों। फिर हमने छोले भटूरे और पाव भाजी ऑर्डर किए थे क्योंकि उन्होंने कहा मॉर्निंग में यही मिलेगा बस, तो फटाफट से हमने नाश्ता किया। फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे, तो एयरपोर्ट पर जीजू मुझे छोड़कर वापस चले गए थे, उन्होंने कहा मुझे लेट हो जाएगा तो वो वापस चले गए थे। घर से हम इतना जल्दी निकले थे, फटाफट से एयरपोर्ट पहुंचे। फिर एयरपोर्ट आके क्या पता चलता है कि हमारी फ़्लाइट डिले है। मतलब सब लोग ऐसे परेशान हो गए थे, इसलिए ग्रुप बनाकर खड़े हो गए थे कि इतनी ज़्यादा फ़्लाइट डिले कैसे हो गई। मतलब जो नॉर्मल जिनको मुंबई जाना था वो तो एकदम खुश थे कि हम लोग पहुँच जाएँगे, पर जिनका मतलब स्टॉपेज था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, जिनको बेंगलोर जाना था वैसे गोल 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 घूम रहे थे कि हम लोग कैसे पहुँचेंगे। फिर मतलब पहले 3:20 की करी फ़्लाइट, फिर 4:15 की करी, ऐसे करके मतलब फ़्लाइट 4:30 तक हो गई थी। फिर हम लोग जितने टाइम में बेंगलोर पहुंचना था उतने टाइम तक हम बेंगलोर फाइनली पहुंच गए थे। एक बार के लिए तो सब लोग डर गए थे, किसी को बोला था आपको नेक्स्ट डे फ़्लाइट मिलेगी, किसी को बोला था थोड़ी देर आपको रात तक वेट करना पड़ेगा, इसलिए सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर भूख भी लग गई थी तो मैंने भी फ़्लाइट में खाना खाया था, और खाना खाने के बाद में मैं सो गई थी। और फिर मेरा मुंबई में थोड़ी देर के लिए स्टॉपेज था, पर फ़्लाइट एकदम टाइम पे थी, लेट थी थोड़ी, इसलिए तो ज़्यादा स्टॉपेज था नहीं। फटाफट से एक फ़्लाइट चेंज कर ली मैंने और फिर मैं बेंगलोर पहुँच गई थी फाइनली रात को 9 बजे। पूरा दिन लग गया बेंगलोर पहुँचने में, यही होता है मतलब यहाँ से चाहे गांव चले जाओ, गांव से चाहे बेंगलोर आ जाओ, पूरा एक दिन लग जाता है आने जाने में और पूरे दिन का पता ही नहीं चलता है कि पूरा दिन कैसे निकल गया, भागते भागते पूरा दिन निकल जाता है। और यहाँ पर मैंने अपनी दोनों बैग्स ले ली, फिर मैं एयरपोर्ट के बाहर निकल कर आ गई और यहाँ पर मुझे मनोज लेने आ गए थे। ओ